नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे 18 न्यूज। आज अग्निपथ योजना को लेके झुंझुनू जिले में भारी आक्रोश देखने को मिला। काफी संख्या में युवाओं ने झुंझुनू शिखर हाईवे को जाम कर दिया। झुंझुनू शिखर हाईवे पर डिगाल के नजदीक जो टोल है, टोल के ऊपर सुबह से ही धीरे धीरे युवाओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और उसके बाद में युवाओं ने आसपास से झाड़ियों को उठाकर रोड पे डाल दिया और रोड को जाम कर दिया। यातायात व्यवस्था में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और लगातार युवा रोड को जाम करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उनका कहना यह था कि जो युवा पिछले कई सालों से, जो बचपन से लोग सेना में जाने का जज्बा अपने दिल में जमाए बैठे थे और जो लोग ये चाहते थे कि कोरोना के बाद में अब जब भर्तियां होंगी तो उन्हें भी मौका मिलेगा देश की सेवा करने का, उन सब के सपने टूट चुके हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए झुंझुनू जिले का युवा सड़कों पर आ गया है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो पूरे देश भर में नौजवानों का ये उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। चाहे बात की जाए बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली और इसके साथ ही अनेक प्रदेशों में लगातार उग्र प्रदर्शन युवाओं द्वारा किया जा रहा है। आज जिले भर के युवाओं ने हाईवे को जाम किया, लगातार नारेबाजी चलती रही और इसमें कई ऐसे युवा भी थे जो काफी निराश भी नजर आए। उनका कहना यह था कि पिछले कई दिनों से हम सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे लेकिन हमारे सारे सपने टूट चुके हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप भी इस आंदोलन को समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।